हाय दोस्तों, स्टडी तक 2.0 के नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम क्लास नाइन्थ की साइंस का चैप्टर 3 जो था अणु एवं परमाणु का तीसरा टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट अर्थात मोल अवधारणा के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, दैनिक जीवन में क्या होता है कि हम विभिन्न वस्तुओं को गिनने के लिए उनकी प्रकृति के आधार पर अलग अलग इकाइयों का प्रयोग करते हैं। ऐसे दर्जन हो गए, इसी प्रकार ग्रॉस हो गए और एक रिम हो गए। रिम का मतलब होता है 500 पीस, 500 पीस ग्रॉस, और ग्रॉस का मतलब होता है 144 पीस। इसी प्रकार दर्जन का मतलब होता है 12 पीस। एक इकाई हमारी और होती है एक कोरी, इसमें कितने होते हैं 20 पीस। तो हम ये क्या करते हैं, चीजों को गिनने के लिए इन सभी का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार हम परमाणुओं, अणुओं, आयनों आदि की गणनाओं के लिए रसायन विज्ञान में मोल इकाई का प्रयोग करते हैं। देखिये, मोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में ओस्टवाल्ड ने किया था। मोल का अर्थ, देखिए मोल का अर्थ यहाँ पर ढेर से, ढेर या अंबार। अब देखिए, मोल कॉन्सेप्ट वास्तव में है क्या? देखिए, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ थ्योरी। परमाणुओं, अणुओं, तथा आयनों आदि की गणनाओं के अध्ययन के लिए रसायन विज्ञान में मोल इकाई का प्रयोग करने की कार्यविधि को क्या कहते हैं, मोल अवधारणा। देखिए, परमाणुओं, अणुओं तथा आयनों आदि की गणनाओं के अध्ययन के लिए रसायन विज्ञान में मोल इकाई का प्रयोग करने की कार्यविधि को मोल अवधारणा कहते हैं। तो देखिए, मोल अवधारणा के अनुसार किसी पदार्थ का की वह मात्रा जिसमें कार्बन 12-12 के ग्राम मात्रा में उपस्थित परमाणुओं में पदार्थ के जितने का उपस्थित होते हैं, अर्थात कार्बन 12-12 के 12-12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं पदार्थ के जितने कण होते हैं, वह क्या कहलाती है, पदार्थ की एक मोल कहलाती है। अब देखिए, इसके पश्चात क्या हुआ कि प्रयोगों द्वारा एमेडो
एमेडो एवोगैड्रो, ये हमारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह ज्ञात किया। ये क्या थे? इटली के भौतिक शास्त्री थे। इन्होंने ज्ञात किया कि 12 ग्राम कार्बन 12 में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? संख्या होती है 6.022 × 10³। इसे हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। इसको हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। अब देखिए, एक मोल परमाणु का मतलब 6.022 × 10³ परमाणु, और देखिए एक मोल आइटम, देखिए इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? ऐसे डिनोट करेंगे आइटम। अगर हम कह दें एक मोल अणु बोल दें Na अणु, अर्थात 6.022 × 10³। अब देखिए, इसकी परिभाषा की बात करें तो वह संख्या जो एक मोल को निरूपित करती है एवोगैड्रो संख्या कहलाती है। वह संख्या जो एक मोल को निरूपित करती है एवोगैड्रो संख्या कहलाती है। इसे हम Na से, यहाँ देखिए N के नीचे छोटा सा A होता है, देखिए इसे, देखिए ये चीज, इसे Na से प्रदर्शित करते हैं। और Na बराबर हमारा क्या होता है? 6.022 × 10³। ये हमारा होता है। देखिए मोलों की संख्या मान लो किसी ज्ञात करनी है, मोलों की संख्या अगर ज्ञात करनी है तो मोलों की संख्या बराबर सूत्र होता है। यदि मोलों की संख्या को इनसे प्रदर्शित करते हैं, पदार्थ का ग्राम में भार, किसी पदार्थ का ग्राम में भार इसे क्या प्रदर्शित करते हैं? इसे स्मॉल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। और पदार्थ का अणु भार, पदार्थ का अणु भार, अणु भार अर्थात एम। तो चलिए इसके आधार, इस सूत्र के आधार पर एक सवाल हल कर लेते हैं तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए सवाल क्या हुआ है हमारा, 22 ग्राम CO2 में कार्बन तथा ऑक्सीजन के कुल परमाणुओं की संख्या हमें क्या करनी है? ज्ञात करना। देखिए हम क्या करेंगे, 22 ग्राम CO2 में बोल रहा है तो CO2 का पहले अणुभार निकालेंगे, CO2 का अणुभार। देखिए कार्बन का हो गया 12 प्लस, देखिए जैसे पहला तत्व है अब इसके बाद दूसरे का निकालना है तो जोड़ देंगे उसे। ऑक्सीजन को होता है 16 × 2, इसके बाद ये हमारा क्या आ गया? 44। अब देखिए CO2 के मोलों की संख्या अर्थात N बराबर W/m, सॉरी स्मॉल W है यहाँ पे, तो स्मॉल W हमारा कितना है? 22 ग्राम जो कि सवाल में दिया हुआ है, और M हमारा आया 44। तो 22 × 44 अर्थात 0.5 हमारा ये आ गया। तो देखिए CO2 के अणुओं की संख्या, CO2 के अणुओं की संख्या बराबर क्या करेंगे?
जीरो पॉइंट हमारा क्या आया था, ये मोलों की संख्या गुणा कर देंगे एन ए का, अर्थात एक मोल, तो 6.022 × 10³³। तो इसका हल करने पर क्या आ जाएगा, 3.01 × 10³³। अब क्या करेंगे, कार्बन परमाणु संख्या याद करनी है, कार्बन परमाणु की संख्या, देखिए CO2 में कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो क्या करेंगे इसमें कि एक का गुणा इससे करेंगे CO2 के अणुओं की संख्या से, क्योंकि हमारी कार्बन एक है, तो 3.012 × 10³³ यही हमारा क्या होगा, इसका उत्तर होगा। इसके बाद ऑक्सीजन की बात करेंगे, तो यहाँ पर दो ऑक्सीजन के अणु है, 3.012 × 10³³, 3×6.002¹ × 10³³। इसका आंसर ये आ जाएगा ऑक्सीजन का। देखिए कुल परमाणुओं की संख्या अगर आप कहेंगे तो कुल परमाणुओं की संख्या याद करेंगे तो कुल तीन परमाणु है, 3×3.012 × 10³³। तो ये फाइनली हमारा उत्तर आ जाएगा 9.03 × 10³³। देखिए हमें क्या करना था, कार्बन व ऑक्सीजन के कुल परमाणु संख्या याद करना। तो देखिए कार्बन की परमाणु संख्या हमें ये मिल गई और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या ये मिल गई। तो आज के लिए भाई इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हाँ वीडियो अच्छे लगे तो यार लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।